हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको हुडेड आईज़ पे आईलाइनर लगाना सिखाऊंगी और एज के हिसाब से इनका 50 प्लस एज है तो हम लोग कैसे इनको आईलाइनर लगाएंगे सिंपली, और ये बहुत प्रिटी भी लुक देगा और बहुत ज़्यादा आंखों पे अच्छा भी लगता है। इस तरह की आँखों पर विंग आईलाइनर आपको किस तरह से लगाना है, तो बहुत ज़्यादा विंग आपको ऐसे आँखों पर बहुत ज़्यादा विंग आईलाइनर नहीं लगाना है, सबसे पहला एडवाइज़ है। एंड सेकेंड एडवाइज़ है कि हमेशा आप पहले कंसीलर, फिर फाउंडेशन और फिर उसके बाद आप कॉम्पैक्ट से अच्छी आँखों को अच्छे से सेट कर लेना। इससे क्या होता है, लाइनर भी बहुत देर टिकता है और प्लस जो रैसेस देख सकते हो आप आँखों के ऊपर, वो भी हाइड हो जाता है। देख सकते हो आप कि किस तरह से झुकी झुकी आँखें लग रही है छोटी। तो हम लोग कैसे करेंगे आईलाइनर लगा के इसको परफेक्ट, तो देखो मैंने ऊपर से थ्रेडिंग के साइड से इनकी आँखों को ऊपर की ओर खींचा है और मैं एकदम पहले कॉर्नर, आँखों के पहले इनर कॉर्नर से स्टार्ट करूँगी। डॉट्स लगाना, आपको पहले डॉट्स लगाना है क्योंकि जब भी आप लाइनर लगाओगे ये बहुत जल्दी फैल जाएगा इनकी आँखों पे। तो सबसे टफ होता है कि ऐसी आँखों पे हुडेड आइज़ पे हमें किस तरह से आईलाइनर अप्लाई करना चाहिए। तो मैंने देखो सबसे फ्रंट से स्टार्ट किया है, पहले मैंने थोड़ा सा थिक लिया है क्योंकि जब भी इनके इन लोगों की आँखों हुडेड आइज़ पे आपको ऐसे आईलाइनर थोड़ा थिक लगाना है क्योंकि हमेशा ये सिकुड़ने के बाद बहुत ही पतला और नॉर्मल लगने लगता है। तो देखो मैं लास्ट कॉर्नर तक लेके जाऊंगी और मैं बहुत ज़्यादा विंग नहीं क्रिएट करूंगी, हल्का सा लाइन अप करके आपको विंग क्रिएट करना है। अब देखो मैंने इनर कॉर्नर में जहाँ जहाँ छूटा है वहाँ वहाँ आपको टचअप करते रहना है। हमेशा याद रखना कम क्वांटिटी में लेना, फिर उसके बाद आप उस लाइनर को लगाते रहना, चाहे थिक हो चाहे कुछ हो। मैं 5 मिनट के लिए उस आँख को सेट होने के लिए छोड़ दूंगी। हमेशा आपको लिक्विड लाइनर सेट होने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ना पड़ता है। अब मैं इसको भी डॉट अच्छे से डॉट बना लूँगी और ऐसे देखो आपको ये थोड़ा सा उबड़ खाबड़ मीन्स थोड़ा बड़ा छोटा ऐसा लगेगा लाइनर, लेकिन नहीं, ये ड्राई होने के बाद एकदम परफेक्ट लुक दे देगा जिस तरह से मैं बताई हूँ आप वैसे लगाओगे। तो हमेशा ऊपर की साइड को आँखों को खींचना, नीचे की साइड को आपको नहीं खींचना है, थ्रेडिंग के पास से आपको अपनी आँखों को खींचना है। और अगर आप खुद से भी लगा रहे हो तो ऊपर साइड आपको आँखों को खींच के फिर लगाना है लाइनर। तो देखो मैंने यहाँ पे भी छोटा सा विंग क्रिएट किया है, बहुत ज़्यादा थिक विंग नहीं क्रिएट करना है और आपको अच्छे से इसको फिल कर देना है। देखो मैंने फिल कर दिया, आप लोगों को लगेगा कि थोड़ा सा मोटा पतला है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब ये ड्राई हो जाएगा तो आप देख सकते हो इसका लुक कैसा आएगा। अब मैं ऊपर हल्का सा कॉम्पैक्ट लगाऊंगी ताकि इनकी आंखें जो है ना फ्रेश लुक दे। तो देखो मैंने लगा दिया और अब देखो कितना प्यारा प्रिटी सा लाइनर इनका लग चुका है, जबकि इनकी हुडेड आइज़ है, हमेशा कवर हो जा रहा है अच्छे से। तो इसलिए अब देखो कितना प्रिटी और खिंचा खिंचा आँख लग रहा है, छोटा आँख अब नहीं लग रहा है और बहुत प्रिटी भी लग रहा है। तो आप लोग अगर एजिंग फेस है आपकी तो प्लीज़ आप इस तरह से लगा के लाइनर देखना और बहुत ही अच्छा लुक आएगा। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू गाइस, बाय।